दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ लोकेश भारद्वाज और आज आप देख रहे हैं मेरठ मैजिक में हिंदी भाषा का हमारे जीवन में महत्व। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। जी हाँ, संस्कृत भाषा लगभग 5000 वर्ष पुरानी भाषा है तथा भारत लगभग 700 से 800 वर्ष पुरानी भाषा है। जी हाँ दोस्तों, पहले भारत पर मुगलों और फिर बाद में अन्य विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार रहा, जिससे हमारे भारत में उर्दू और फारसी का चलन काफ़ी बढ़ गया था। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो भारत में हिंदी का चलन आज के समय पर कम होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना करें, परंतु आप अपनी मातृभाषा हिंदी का प्रयोग भी अवश्य करें। यानी कि आप जो बोलचाल की भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी मातृभाषा का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादातर बातों को हमें हिंदी में ही कहना चाहिए। अंग्रेजी जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो तो अच्छी है ही, लेकिन हमारी भाषा हिंदी भी, जो कि हम अपनी बातों को सरलता से एक दूसरे के से कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लगभग 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है और विदेशों में भी लगभग 9 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, जिसमें छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी लगभग 26 शब्दों को शामिल किया है, जिसमें शादी जुगाड़ जैसे शब्द शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा बोलने वालों के प्रति मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आदमी को, इंसान को इंग्लिश भाषा सीखनी चाहिए, इससे हम इनकार नहीं करते, परंतु हिंदी भाषा का भी प्रयोग खूब करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हिंदी बोलना अपने आप में एक गर्व की बात है। जी हाँ दोस्तों, बताया गया है कि इंडिया और भारत को दो तरीके से देखा जाता है। इंडिया को देखते हैं तो लगता है कि ये काफ़ी आधुनिक है और आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ दूसरी तरफ हम जहाँ भारत का इस्तेमाल करते हैं, भारत लगता है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ सा है। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें आदमी के माइंड में बनी रहती हैं। जानते हैं, सिंधु नदी से ही हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी से ही आपकी हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी कि आप देखें कि हिंदी भाषा का जन्म इसी तरीके से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा।